किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्वार भविष्य 2021-22 के बारे में। किसान भाइयों, आगामी दिनों में ग्वार का क्या भाव रहेगा, ग्वार के भाव में कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, आने वाले समय में ग्वार के भाव में तेज़ी आएगी या मंदी, किन कारणों से ग्वार के भाव में तेज़ी बढ़ सकती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम ग्वार की तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्वार भविष्य 2021-22 के बारे में, आने वाले समय में ग्वार का क्या भाव रहेगा। किसान भाइयों, अभी कुछ दिनों से ग्वार के भाव में कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, ग्वार का बाज़ार एक समान देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, अभी ग्वार का भाव 4000 से 7000 के मध्य ग्वार का भाव हमें देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, ग्वार के भाव में 200 से 400 के मध्य ग्वार के भाव में तेज़ी देखने को मिलती है। किसान भाइयों, ग्वार के भाव में कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। किसान भाइयों, पहले ग्वार का भाव 10000 से अधिक देखने को मिल रहा था, किंतु किसान भाइयों, अभी कुछ दिनों से ग्वार के भाव में मंदी देखने को मिली है और ग्वार का भाव अभी 4000 से 7000 के मध्य ग्वार का भाव देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे आने वाले समय में ग्वार का क्या भाव रहेगा। किसान भाइयों, कुछ जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में ग्वार के भाव में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, अभी ग्वार की नई फसल को आने में समय लगेगा और अभी ग्वार की अच्छी खासी डिमांड भी देखने को मिल रही है। और किसान भाइयों, कुछ अनुमानकर्ताओं का मानना है कि इस साल ग्वार का उत्पादन कम हो सकता है, क्योंकि किसान भाइयों, अत्यधिक बारिश के कारण ग्वार की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए किसान भाइयों, आने वाले समय में ग्वार के भाव में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, ग्वार में तेज़ी आने के बहुत सारे कारण हैं, जिससे ग्वार के भाव में तेज़ी बढ़ सकती है। किसान भाइयों, ग्वार की अच्छी खासी डिमांड होना, ग्वार का उत्पादन कम होना और मंडियों में ग्वार की आवक कम होना, किसान भाइयों, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसे ग्वार के भाव में तेज़ी बढ़ सकती है। किसान भाइयों, को जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में ग्वार के भाव में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। किसान भाइयों, आप अपने माल को बेचने का निर्णय अपने स्वयं के मार्ग से लें। मिलते हैं अगले से नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।